देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कंकेव मिरर। ठीक है, तो यू इज माइनस 18 सेंटीमीटर। ठीक है, एट वॉट डिस्टेंस इट शुड बी प्लेस्ड? ठीक है, डिस्टेंस सो दैट द शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। फोकल लेंथ पे आते हैं, सॉरी दिस इज फोकल लेंथ। सेवन सेंटीमीटर फोकल लेंथ इज -18। कंकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अब वो पूछ रहे मिरर इमेज कहाँ बनेगी, तो वहीं पे हम अपनी स्क्रीन को लगाएंगे, राइट? तो वी निकालना है, तो वी विल यूज सिंपली मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। दैट इज 1/v = 1/f, यानी कि 1, और माइनस ऑफ -27 सेंटीमीटर, राइट? और इसको हम करेंगे तो एलसीएम विल बी 54 एंड दिस इज 3 + 2, दैट इज -1/54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वी विल कम आउट टू बी -54 सेंटीमीटर, राइट? वी आ गया हमारे पास। फाइंड साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, तो ये स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड है, ठीक है, और साइज निकालने के लिए यू कैन फाइंड द मैग्निफिकेशन, दैट इज -v/u, माइनस ऑफ -54 by u is 18, सॉरी u इज 27, -27, दैट कम्स आउट टू बी मैग्निफिकेशन इज -2। ठीक है, सिंस मैग्निफिकेशन इज -2, तो किसी ने आंसर में ये नहीं लिखा हुआ कि नेचर क्या है। नेचर इज वर्चुअल, सॉरी नहीं, नेगेटिव में आया ना, तो इट इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड इट इज एनलार्ज्ड, क्योंकि वैल्यू से देखना होता है, वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो इट इज एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, साइज भी हो गया, नेचर भी हो गया। ठीक है, और अगर हमें साइज ऑफ इमेज बताना है तो वी कैन फाइंड एम इज इक्वल टू h' / h। ठीक है, h' कितना है? अच्छा, इट इज -2 इज इक्वल टू h' / h। इमेज विल बी 7, h' विल बी -14 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज विल बी ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कल के टेस्ट में मुझे कम मार्क्स नहीं चाहिए, ठीक है? तो साइज में हम ये लिखेंगे नेचर है एनलार्ज्ड। ठीक है, पोजीशन हम बता चुके, -54 सेंटीमीटर है। क्लियर पीयू आयुष? अच्छा नहीं, वो पोजीशन मतलब एग्जैक्ट